तो कैसे हैं आप सब? मैंने आपको क्यूब पढ़ा था, ठीक है। क्यूब में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बोला था कि मैं आपको क्यूब पूरा 100 तक बताऊंगा, बट कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से मैंने आपको 100 तक नहीं बताया था। मैंने 40 तक पीडब अवेलेबल करा दिया था, उसके बाद मैंने आपको ट्राई करने बोला था, ठीक है। बट आज मैं आपको पूरा 100 तक बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो के बाद से अब आप 100 तक पूरा क्यूब आपको मिलेगा। 40 तक वहां पे मिला था, अगर हो सके तो मैं वो 40 भी आपको वहां तक बताऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ टेक्निक के बारे में बात की हुई थी। टेक्निक के बारे में बात करने के बाद फिर मैंने आपको 20 तक 30 तक बताया था, उसके बाद मैंने सारा का सारा पीडीएफ में बता दिया था। तो पीडीएफ में भी टोटल मिला के 50 हुए थे, ठीक है। पीडीएफ में अगर देखा जाए तो टोटल 50 हुए हैं। उसके बाद से मैंने आपको लगा ट्राई करने, मैं खुद इस काम में लगा हुआ था, तो आज जाके मैं इस काम को पूरा कर पाया हूँ। तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया जिसको बनाने में, बट आपको याद करने में टाइम नहीं जाएगा, इसको सिर्फ बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये काम आज हो चुका है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो ला रहा हूँ क्यूब के ऊपर। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम क्यूब देखेंगे 51 से लेके 59 तक और 61 से लेके 69 तक। यहाँ पे हम जो नंबर जीरो वाले उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब 60 का क्यूब आप निकाल सकते हो आराम से, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके आराम से तो आपको 60 का मिल जाएगा। तो वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार देख लीजिए, आपको फटाफट वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम लॉस की। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस क्यूब पे आ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले आप उस टेक्निक को देखिए, पिछले वीडियो पे जाकर टेक्निक के बारे में देखिए, फिर मैंने जो स्टार्टिंग में क्यूब बताया हुआ उनको देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए, ठीक है। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला 51 दिया, 52, 53, 54 ऐसे करके 59 तक, 61 से लेके 69 तक। तो मैंने आपको इसकी वर्डिंग, इसको पहला तो मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, पीडीएफ में डालूंगा इसको, थोड़ा समय दीजिए बस। बट अगर अभी आप सीख रहे हैं तो आप इसी के साथ में सीख जाइए। 51 जो है लड्डू, 52 लायन, 53 लैम, आप कभी भी इस नंबर्स को सुनिए तो आपको फटाफट वर्ड्स याद आने चाहिए। और एक चीज, मैं कभी भी नंबर्स के वर्ड को चेंज नहीं करता हूँ, ये मेरी सबसे खास ट्रिक है, ठीक है। मैं नंबर्स के वर्ड को चेंज नहीं करता। अगर आपने कभी देखा रहेगा कि मैंने जिस नंबर्स के वर्ड को पहले इंडिकेट किया हुआ, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। शायद ऐसा कोई वर्ड होगा, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई वर्ड नहीं जिसको वर्ड को मैंने चेंज किया हुआ है। 51 लड्डू, लड्डू का जैसे मैंने आपको पीरियड टेबल में याद करा हुआ है, 51 पे लड्डू था, तो लड्डू पे 51 पे क्या है, एंटीमनी। तो लड्डू आप किससे मांग रहे हो, मतलब लड्डू खाना है आपको, तो पैसे किससे मांग रहे हो, आंटी से मांग रहे हो। तो क्या मांग रहे हो, आंटी से पैसे, एंटीमनी, ठीक है, आंटी से मनी, तो एंटीमनी। देखिए किस तरह से याद आया ना, क्यों, क्योंकि मैंने उसी चीज को वहां पे इंडिकेट कराया हुआ, उसी चीज को यहाँ पे भी इंडिकेट कराया हुआ, जिससे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो एक बार अगर आपने इस नंबर को इस वर्ड के जरिए समझ लिया, याद कर लिया, तब तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप कभी भी कोई भी नंबर देखिए, आप नंबर्स को आप सीरीज याद कर सकते हो, नंबरों की 100-100 नंबर्स की सीरीज को आप 10 मिनट में याद कर सकते हैं। ये चीज मैं आपको एक दिन लाइव दिखाऊंगा करके, ठीक है, किस तरह से इसको याद किया जाता है, और मैं खुद भी करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 पे लड्डू है, अब लड्डू पे क्या है, दामिनी चल। अब देखिए 51 लड्डू, मैंने दामिनी को बोला कि चल चलते हैं लड्डू खाने। मैंने दामिनी को क्या बोला, चलते हैं लड्डू खाने। तो दामिनी चल, दामिनी को आप ऐसे इमेजिन करिए, इमेजिन ही सबसे बड़ा गेम का ट्रिक है। इमेजिन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा चीजें याद रहेंगी। तो दामिनी, दामिनी एक लड़की का नाम है जिसको आप बोल रहे हो कि चल लड्डू खाने चलते हैं। क्या करते हैं, लड्डू खाने चलते हैं। आइए इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या नंबर्स निकल के आते हैं, देखिए क्या नंबर निकल के आते हैं। देखिए दामिनी को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे डी से 1 हो जाता है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे सी एच दिया हुआ है, जिसमें से हम सी एच नहीं ले, सी एच, तो यहाँ पे सी एच किसमें है, 6 पे है, और यहाँ पे 5 और 1 का 1 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमको सिर्फ यहाँ पे लास्ट यूनिट पे ध्यान देना है, बाकी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है। ये चीजें तो आपको फटाफट हो जाएंगी, ठीक है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको चीजें फटाफट हो जाएंगी। तो 1326 लास्ट पे यूनिट, हमको यहाँ पे 6 डिजिट दिए हुए, लास्ट यूनिट हमको फटाक से मिल जाता है, हमको सिर्फ इस यूनिट को सॉल्व करना है। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7, 7 का 3, 8 का 2, ठीक है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं। अब 52 पे लाइन दिया हुआ है, 13 से गुस्सा है। अब यहाँ पे देखिए कैसे याद करना है, जो लायन है 52, आप ऐसे इमेजिन कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि लायन 13 से क्या है, गुस्सा है। लायन क्या है, 13 से गुस्सा है। 13 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1406 0। अब 2 का क्या है, 8, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट पे 8 आ गया, देखिए 140, ठीक है। नेक्स्ट लेम, लेम आप दो दोस्त हैं, ठीक है, आप सपोज ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप दो दोस्त हैं, तो आपको एक लड़का बोलता है ये लंगड़े, ठीक है, आपको लेम चिढ़ाता है, ठीक है, आपको क्या बोलता है, लेम।
आपको क्या बोलता है लेम, आप लंगड़े, आपको ऐसे जानबूझ के बोलता है लंगड़े, ठीक है। बट आपने उसको बोला कि क्या बोला, तेरा विवेक, उसका तेरा उसका भाई रहता है, या विवेक उसको ही बोल दीजिए, ठीक है। या किसी लड़की को आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप एक लड़की को बोलो कि तेरा विवेक लंगड़ा है, मैं नहीं, ठीक है। कौन लंगड़ा है, तेरा विवेक, जो उसका भाई था, कौन लंगड़ा है, तेरा विवेक को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1 4 8 8 अब कैसे 7 और यहाँ पे 3 दिया तो क्या होगा 7, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है, फटाक से बन गया, यहाँ का यूनिट हमको फटाक से बनाना है, 3 से 7, 7 से 3, 54। लारा, लारा डेली डेली गाड़ी चलाती है, लारा क्या करती है, डेली कार चलाती है, डेली ऐसे इमेजिन कीजिए। अब कभी भी आप लारा देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि लारा क्या करती है, डेली कार चलाती है। तो डेली कार चलाती है, इनको ब्रेक करोगे तो क्या होगा 1 5 7 4 6 5 1, ठीक है 1 5। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड लिया था। तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ 6 डिजिट पे ध्यान देना, कितना 6 डिजिट पे। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, लास्ट पे 4 दिया तो 4, ठीक है। बाकी का आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, इसको देखना नहीं है, ठीक है। आप जब देखिए, आपको बहुत ज्यादा आप इसमें स्पीड बना सकते हो। आपने जैसे अजीत भारती सर को देखा होगा, उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप इतनी ज्यादा स्पीड खुद बना सकते हैं, मैं आपकी गारंटी देता हूं, आप इतनी स्पीड खुद बना सकते हैं, मात्र 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं, आपको जैसे बोला गया। अब जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आपको किसी ने पूछा कि 22 का क्यूब बताओ, तो आप 22 का क्यूब में मुझे मेरे माइंड में क्या आता है, डक, डक को मैं क्या खिला रहा हूँ, शुगर, तो शुगर को क्या हो रहा है, शुगर, शुगर का क्या हो रहा है, ये बन रहा है ना, तो शुगर का क्या हो जाएगा 0 6 4। अब 22 बोला तो 2 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। तो इतनी स्पीड से आपको फटाफट करनी है चीजें, ठीक है। चलिए आगे, लालू 55 पे क्या है, लालू, लालू। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, याद कैसे करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि समझना कैसे यहाँ पे, तो इसको इससे कनेक्ट करना है, ना कि इसको इससे कनेक्ट करना, आपको इससे इसको कनेक्ट, फटाफट इसको ही कनेक्ट, एक ही चीज को ट्रिक बनाइए, हर जगह पे अलग अलग ट्रिक मत रखिए, एक जगह पे एक ही ट्रिक बनाइए, इसको इससे कनेक्ट करिए, ना कि इसको इससे। तब देखिए लालू, लालू क्या कर रहा है, डॉग से जाम खरीद रहा है, 55 पे लालू है, तो लालू क्या कर रहा है, डॉग से जाम खरीद रहा है, ठीक है, लालू डॉग से जाम खरीद रहा है। अब इसको लालू को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो लालू को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए डॉग, डॉग पे 1 डॉग तो 6, ठीक है, और 6 यहाँ जाम पे क्या है 6 J 3। अब यहाँ पे KH है, जो कि यहाँ पे 7 ही हमको लेना है, हमको बाकी चीजें नहीं लेना है। तो डॉग से जाम खरीदा तो कितना हो गया 2 4 5, अब यहाँ पे कितना दिया है 4, ठीक है, आज से 4, और 5 का क्या हो जाएगा 5, ठीक है, तो कितना हो गया 2 4 5 6 4 यहाँ पे 5, ठीक है 1 6 6 3 7 5, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना, माफ करना दोस्तों, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, ये वीडियो मुझे वापस से शूट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें उस वीडियो में बता दी थी, बट कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। तो आइए मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चेंजेस कर दिए, ठीक है, एक 63 पे और एक 67 पे थोड़े से चेंजेस कर दिए, ताकि थोड़े से वर्ड और ज्यादा सिंपल हो जाए तो और ज्यादा अच्छे दिखेंगे वो, इसलिए मैंने उसको चेंजेस कर दिया। तो आइए देखते हैं, मैंने 57 आपको होमवर्क दे दिया था, सॉरी 55 तक बता दिया था, 56 पे लॉज है, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि लॉज पे टकले जात, यहाँ का लॉज का क्या है, टकले जात, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो लॉज है, लॉज पे हमेशा टकले जात वाले होते हैं, जो टकले होते हैं हमेशा जात से ही टकले होते हैं, मतलब वो हमेशा टकले ही रहते हैं, तो जितने भी टकले हैं वो कहाँ पे रहते हैं, लॉज में रहते हैं, ठीक है। 57 का आप बताएंगे मुझे, 57 का यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ क्यों, इसका कोडिंग आप मुझे करके बताएंगे कि क्या होगा इसका, ठीक है। 58 पे लॉ है, 58 पे लॉ, लॉ पे क्या है, तबला देते हैं, तो आप ऐसा इमेजिन करिए करिए कि आप जिसे भी लॉ करते हो, आप जिसे भी क्या करते हो, लॉ करते हो, उसको क्या देते हो, तबला देते हो, क्या देते हो, तबला। तो कितना ज्यादा सिंपल है, आप जिससे भी लव करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसको आप क्या देते हो, तबला देते हो, ऐसा इमेजिन करिए कि आप उसको तबला दे रहे हैं, तभी ये चीजें याद हो पाएंगी। जितना ज्यादा आप मेमोराइज करेंगे, जितनी ज्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा भूलेंगे। चीजें समझनी है, एक बार समझ लीजिए कि आप उसको जिससे प्यार करते हो उसको तबला दे रहे हो, तो आपको चीजें नहीं भूलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया 59 लैब, लैब पे क्या है, नशा लिमका, तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप लैब में बैठे हैं और लैब में हमेशा आप नशा करते हैं, किसका नशा करते हो, लिमका का, लिमका से नशा होता नहीं है, बट फिर भी हमको याद करना है क्योंकि कॉमेडी बनाना है, तो लिमका से नशा होता नहीं इसलिए बनाना है उसको। तो लैब में क्या कर रहे हैं आप, नशा कर रहे हो, किसका, लिमका का।
तो आप लैब में बैठ के लिमके का नशा कर रहे हो ऐसा, ठीक है, इमेजिन करिए। तो नशा लिमका, तो नशा लिमका को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 205379, यह तो आपको कोडिंग करने आता ही होगा, ठीक है। तबला, तबले से क्या होगा 191, ठीक है, 5 और फिर 11 और लास्ट का 8 का क्या है 2, ठीक है, इस तरह से। आइए जेट 61, जेट 61 पे क्या है जेट, तो 61 पे जेट है, जेट पे क्या है निंजा बीएफ, जेट पे क्या है निंजा बीएफ। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपका जो बीएफ है वो निंजा है, या आप लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, बट आपको इमेजिन करना है ऐसे एज इट इज, इमेजिन कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो बीएफ, बट यहाँ पे जीएफ मत बना देना, ठीक है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप अपने बीएफ से मिलने जा रहे हैं, जो आपका बीएफ है वो निंजा बीएफ है, कौन है निंजा, वो निंजा वाला है। तो निंजा बीएफ से आप मिलने किसे जा रहे हो, जेड से जा रहे हो, ठीक है, जेड से जा रहे हो अपने निंजा बीएफ से मिलने। निंजा बीएफ को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 22698, ठीक है, लास्ट का 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 62 पे क्या दिया हुआ है, गन दिया हुआ है, तो गन पे क्या है नामी विमान, नामी विमान, विमान का मतलब प्लेन। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपका एक दोस्त है, बोलता है हमेशा कि मैं प्लेन में गन लेके जाता हूँ, प्लेन में, विमान में प्लेन कभी भी अलाउ नहीं करते हैं किसको, गन को लेके। तो उसने बोला कि आपको कि वो गन लेके जाता है, फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे पता लगाना पड़ेगा। तो एक दिन आप उसके घर में जाते हैं और देखते हैं वो गन तो नकली थी, गन उसका देख लेते हैं, तो गन को आप ऐसा चलाते हो तो वो तो नकली रहती है। तो आपने उसको बोला कि चल अभी पका मत मुझे, तू नामी विमान लेके जाता है, नामी विमान मतलब विमान में जो तू गन लेके जाता है वो नामी भर का होता है, नाम भर का गन, नाम भर का होता है, रियल गन नहीं होता है। तो गन नामी विमान, ठीक है, जो गन है वो आपका दोस्त क्या करता है नामी विमान के लिए लेके जाता है, मतलब कुछ उसका काम नहीं रहता, सिर्फ नामी के लिए रहता है, नाम के लिए रहता है। नामी विमान को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 238328, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट 63 पे जैन, तो जैन पे क्या है नीले ससुर, नीले ससुर कैसे, तो जैन जो है पहले आपके ससुर क्या थे, गोरे थे, ठीक है, उन्होंने जैम खा लिया, जैम खाने के बाद वो किस रंग के हो गए, नीले ससुर, जैसे उन्होंने जैम खाया तो आपके ससुर जी कैसे किस रंग के हो गए, नीले रंग के हो गए, तो नीले ससुर, ठीक है। नीले ससुर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 25004, लास्ट के 3 है, तो 3 पे क्या आता है 7 आता है, ठीक है। नेक्स्ट 64 पे क्या दिया हुआ है, जार दिया हुआ है 64 पे, जार। आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक जार है, उस जार में आपने नाग को रखा हुआ है, किसको रखा हुआ है नाग को, और वो नाग अभी भी फन मार रहा है उस जार के अंदर, निडर होके विदाउट किसी से डर वो अभी फन मार रहा है, ठीक है, जार में बंद होने के बाद भी वो फन मार रहा है। तो नाग क्या है, निडर है, तो जार में बंद नाग क्या है, निडर, नाग क्या है, निडर, नाग निडर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 26214, ठीक है, और लास्ट में 4 है तो इसलिए 4, ठीक है। नेक्स्ट 65 पे जेल है, ये जो वर्ड्स मैं बना रहा हूँ ये वर्ड्स पहले से ही फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, इन्हीं वर्ड को आप मेमोराइज कर लीजिए, समझ लीजिए, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, 2 से 3 बार लिख लेंगे तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। उसके बाद आप 55 कभी भी सुनेंगे तो आपको लालू याद आएगा, 51 सुनेंगे तो लड्डू याद आएगा, ठीक है, इस तरह से। आप 58 सुनेंगे तो लव याद आएगा, 59 सुनेंगे तो लव याद आएगा। आप जैसे भी अगर इसको 2 से 3 बार लिख लेंगे तो आपको ये वर्ड नंबर एक बार हो गए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने इसको लिख लिया तो इसको कनेक्ट आपने एक बार कर लिया, आपका माइंड खुद आपको जवाब देना स्टार्ट कर देगा। जार, जेल, जेल में नौकरी गन, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप जेल में हैं, आप जेल में भी नौकरी करते हैं गन की, आप जेल में गए हो और नौकरी कर रहे हो किसकी, गन की। तो नौकरी गन को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2746, ठीक है, 62 और लास्ट में 5 है इसलिए 5। नेक्स्ट 66 पे जज है, 66 पे क्या है जज, जज की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है क्योंकि हमको यहाँ पे मैंने पहले बता चुका है कि जज हमको यहाँ पे चेंज करना है, जज की स्पेलिंग हमको थोड़ी सी चेंज करना है, हमको यहाँ पे जे यू जे लेना है, ठीक है। तो जे जज, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप नेवी में हैं और जज आपके सामने आता है, बोलता है कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, नहीं तो तुझे मैं नेवी से निकाल दूंगा, ठीक है। किसका रोक देता है, तुम आप लोग को नेवी का रोक देता है, ठीक है, रोक देता है कि मैं तुझे नेवी से क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो जज क्या कर रहा है, नेवी का रोक दे रहा है, उसको बोलता है जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, नहीं तो तुझे नेवी से निकाल दूंगा। तो 66 पे जज ने धमकी दी, अब नेवी को रोआ, इसको अगर ब्रेक करेंगे, नेवी का रोआ देंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 28749, लास्ट में 6 है इसलिए 6। नेक्स्ट 67 पे चेक है, इस 67 पे क्या है चेक, तो चेक क्या है मिस केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, तो 67 पे चेक है। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि जो मिस है उन्होंने अपने इस चेक को
केज में रखा हुआ है, केज में, पिंजरे में, उनके पास कम से कम 10 करोड़ का चेक है। ऐसा इमेजिन करिए, कॉमेडी बनाना है तो उनके पास 10 करोड़ का चेक है जिसको उन्होंने किसमें रखा हुआ है, केज में रखा हुआ है। तो मिस ने केज में रखा हुआ है किसको, चेक को, चेक को किसमें रखा है मिस ने, केज में। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 300763, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैसे आएगा, 7 का 3 लास्ट में, लास्ट यूनिट आपका चेंज हो जाएगा। 68 में जीएफ, तो आप घर में बैठे हैं, बाहर से एक व्यक्ति आता है आपको बोलता है कि आप तेरी जीएफ की मदर किधर है, आपको बोलता है कि तेरी जीएफ की मदर किधर है, आपके घर में उसकी मदर आई रहती है। तो आप बोलते हैं कि मदर घर में है, रूम में है। मदर कहाँ पे है, रूम में, मदर कहाँ पे, रूम में। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं, एक व्यक्ति आता है आपको पूछता है कि तेरी जीएफ की मदर किधर है, आपने बोला मदर रूम में है। तो मदर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 3 1 4 4 3, ठीक है, लास्ट में 8 का 2। नेक्स्ट 69 जीप, जीप का क्या है, मैंने फाइल। आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप घर पे जाते हैं, आपके पापा बोलते हैं फाइल किधर है, तो आपने गुस्से में बोला कि सॉरी गुस्से में नहीं, आपने ऐसा सोचा बुला रही है, तो फाइल सब कार में रख दिए, ठीक है, जीप में रख दिए। तो आप तुरंत अपने पापा को बोलते हैं मैंने फाइल्स जीप में रख दिए, कहाँ रख दिए, जीप में रख दिए। तो मैंने फाइल्स कहाँ रख दिए, जीप में। तो मैंने फाइल्स को अगर आप देखेंगे तो इसको देखेंगे तो क्या होगा, 3 2 8 5 0 9, ठीक है, जीप। मैंने फाइल कहाँ पे रख दिए, जीप में। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो गए 69 तक के क्यूब। इसके जस्ट अगले वीडियो में मैं बात करूंगा 99 तक, और इस क्यूब को पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। पीछे कुछ क्यूब छूट चुके हैं, अगर आपको चाहिए वो चीजें भी, जैसे कि मैंने 30 तक बताए हुए, 30 के बाद मैंने नहीं बताए थे, डायरेक्ट मैंने 50 से बताया हुआ है, और 50 से आप मैं पूरा 100 तक बताऊंगा, उसके बाद के जो बच चुके हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी चीजें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए दो से तीन बार करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा याद होने लग जाएंगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारे जो ट्रिक होते हैं वो ट्रिक विदाउट पेन एंड पेंसिल होते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी पेंसिल पेन यूज करना है, सिर्फ माइंड का यूज करना है। कोई नंबर बोला गया 51 बोला गया, 51 पे आपको सोचना है लड्डू, ठीक है, 51 पे लड्डू अगर आपको याद आएगा तो आपने बोला था दामिनी चल, मैंने बताया था, तो दामिनी चल को ब्रेक करेंगे तो आपको क्यूब आ जाएगा फटाक से, इस तरह से, ठीक है। तो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए, इसी को कंटिन्यू करेंगे और 100 तक सीखेंगे क्यूब की किस तरह से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।